नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल दुबे और आप देख रहे हैं प्रांजल दुबे वाईटी। गाइस, आज मैं जो गाड़ी आप लोगों के लिए लेके आया हूं ना, वो आप लोग देखोगे तो कहोगे वाह भाई क्या गाड़ी लेके आए हो। भाई उसने काफी लोगों के दिलों पे राज किया। वैसे थंबनेल देख के तो आप लोग जान ही गए होंगे। लो भाई, ये है हमारे सामने द लेजेंडरी कार, ह्युंडई की पहचान। ह्युंडई कंपनी को जिसने पहचान दी वो यही गाड़ी थी, ह्युंडई सेंट्रो जिप प्लस। भाई मेरे सामने ये जो मॉडल खड़ा हुआ है ये 99 मॉडल है, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलता था, क्या अच्छा था, क्या खराब था। लेकिन सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कौन कौन लोग हो आप में से जो ये गाड़ी रखे हो और किसके किसके दिल के करीब है ये गाड़ी। तो चलो बताओ जल्दी जल्दी। गाइज, अगर मैं सबसे पहले इसके फ्रंट के लुक की बात करूं तो भाई कुछ इस तरह का आपको ये फ्रंट का लुक देती है। देख सकते हैं काफ़ी डैशिंग और काफ़ी अच्छा लुक देती है। उस टाइम इस गाड़ी ने राज किया था काफ़ी ज़्यादा। तो आइए इसके हेडलाइट के बारे में सबसे पहले बात करूं तो यहाँ आपको इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ हेडलाइट एलोजन बल्ब भी मिलता है, उस समय एलोजन ही चलता था। यहाँ पर ग्रिल आपको मिल जाती है, सामने ह्युंडई की बैचिंग देखने को मिलती है, सेम पोजिशन इस साइड भी है। और गाइज यहाँ पर जो इसका जो फॉग लैम्प होता है वो इसमें नहीं आता था, वो 2000 के बाद, शायद सन 2000 के बाद से फॉग लैम्प भी इसमें देने लगा था, लेकिन इस मॉडल में नहीं था। जो भी है आपको ये कंडीशन दिख रही है वो सब स्टॉक में दिखा रहा हूं। ये गाड़ी मैंने देखी कितनी मेंटेन रख रखी है। आप लोग मुझसे बताइए, हमारा आपका मेरा तो भाई बचपन इसी से बीता, मैंने इसी से गाड़ी चलाना भी सीखा है, इसी कार से। तो आप में से कौन कौन है जो इसी गाड़ी से गाड़ी चलाना सीखे हैं, और इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये कैसी है कैसी नहीं है। और साइड की लुक की बात करें तो गाइज ये कुछ इस तरह की दिखती है, आप देख सकते हैं कार का साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं तो वो 3500 mm का लेंथ आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और अगर मैं इसी के साथ इसकी चौड़ाई की बात करूं तो आपको 1500 mm की इसकी चौड़ाई देखने को मिल जाती है। साइड से आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरनेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया था, 160 mm का ग्राउंड क्लियरनेंस है। भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उस समय भाई ये गाड़ी वैगन आर को टक्कर दे रही थी, यही एकमात्र ऐसी गाड़ी थी। देख सकते हैं आप बाहर बाहर से इसका कुछ। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूं तो भाई इसमें 155, ये देख सकते हैं 155/70R13, ये देखिए दिख गया भाई, इसमें आपको 13 इंचेस के टायर मिलते थे जो कि इसके ग्राउंड क्लियरनेंस को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करते थे। और अगर इस कार के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो भाई इसमें आपको 35 लीटर के फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है, मतलब 35 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें देखने को मिल जाता है। भाई काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल देता है उससे ये। गाइज आते हैं इसके बैक साइड से, बैक साइड से आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की दिखती है। इससे भी पहले एक मॉडल आता था उसमें लाइट थोड़ा अलग तरीके की थी, लेकिन ये वाली जो है उससे थोड़ी नई है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइट मिलता है, यहाँ इंडिकेटर, ये रिवर्स लैंप है, और ये रिफ्लेक्टर है। यहाँ पे ह्युंडई की बैचिंग हो रखी है, यहाँ पे भी सिंबल है, यहाँ पे सेंट्रो जिप प्लस का, और यहाँ पे बूट स्पेस है। और ये देखिए बूट स्पेस भी इसका काफ़ी अच्छा है। रुकिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका। भाई ये सिंपली ये चाबी से ही खुलती थी, ऑब्वियसली उस वक्त इतना वो सिस्टम नहीं चलता था, लेकिन देख सकते हैं आप बूट स्पेस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। भाई मतलब लगेज वगैरह अगर 5 बंदे हो तो आराम से रख के जा सकते हो, और इसमें आपको देखिए ये ट्रे भी मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा जगह। अगर जगह की बात करें तो भाई इस कार में आपको जगह भर भर के देता था उस वक्त के हिसाब से। ये देखिए इस साइड से कुछ इस तरह की दिखती है, बाकी सब तो हो ही गया। सिंपली इसमें आपको देखिए, कभी इतना बड़ा एंटीना देखे हैं आप लोग आज की गाड़ियों में? नहीं, तो देख लीजिए यही है, उस वक्त इतना बड़ा एंटीना चलता था। और 93.5 यहाँ पे चल रहा है हमारे प्रयागराज में, तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देख सकते हैं इस साइड से लुक इसका कुछ इस तरह का। व्हील कैप मैंने उतरवाए थे, अभी इसको मैं धुलवा रहा था तो उतरवा दिया हूँ, अभी बरसात का मौसम है ना तो ये अंदर धुलने के लिए मैं दिया था तो व्हील कैप इसीलिए उतरा हुआ है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंडिकेटर लाइट भी मिलती है, और इसमें आपको ये क्रोम लगा हुआ नहीं मिलता था, ये इस तरह की फिनिशिंग इसमें मिलती थी। ये क्रोम मैंने एक्स्ट्रा लगवाए हैं इसमें, इसकी लुक को एक्स्ट्रा वो देने के लिए, अच्छा दिखे ना भाई, गाड़ी मेंटेन रखनी है। बात से तो हो गया, अब मैं चलिए इसका अंदर दिखाता हूँ। इसमें सिंपली आपको इस तरह की चाबी देखने को मिलती, लेकिन मैंने इसमें लगा रखा है ये रिमोट, तो ये इस तरह से ये देखिए लॉक अनलॉक हो रहा है, वो देखिए लॉक अनलॉक। ये आइए आपको दिखाता हूँ भाई, डोर खोलते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको सब कुछ मैनुअली एडजस्टेबल है, कोई चीज़ आपको यहाँ नहीं दी है। ये देख सकते हैं आप ये शीशा उतारने के लिए सब होगा। अब आते हैं मेन इसके इंटीरियर। भाई इंटीरियर मैंने इसका काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर रखा है, वो टॉवल ओवल बिछाया हूँ। इंटीरियर देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देख सकते हैं आप। भाई ये स्टेयरिंग के मैं बात करूं तो इसमें भाई पावर स्टेयरिंग नहीं आता था, ये फुल्ली मैनुअल गाड़ी होती थी। और ये देखिए इसका मीटर कुछ इस तरीके का दिखता था, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये स्पीडोमीटर है, ये यहाँ पे इसका टेम्परेचर बताता है, और ये यहाँ पे जो है ये इसका मेन मीटर बता रहा है कि कितना चल चुकी है। मेरी अभी गाड़ी 76,000 चल गई है, और ये ट्रिप मीटर है, ये देखिए यहाँ पे ये पेट्रोल का एनालॉग बता रहा है, पेट्रोल का वो बता रहा है गेज। और देख सकते हैं भाई स्टेयरिंग में इसमें कुछ नहीं था, सब सिंपली कंट्रोल इसके सब यहाँ पे मिलते थे नॉर्मली। और एसी, भाई मैं इसके एसी की बात करूँ तो गाइस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है यार इसकी एसी, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं। मैं मेंटेन रखा हूँ, जो उस समय मेरी गाड़ी ये कूलिंग देती थी ना, आज भी वही दे रही है। मैं भाई ये छाती ठोक के कह रहा हूँ, क्योंकि भाई इसकी कूलिंग मैं देखा हूँ, मेरे पास नई वैगन आर भी है उसके आगे भाई इसकी कूलिंग ज़्यादा अच्छी मेरे को लगती है। यहाँ पर देखिए ये सिंपली बटन दिया है इसके पार्किंग लाइट्स के लिए, यहाँ पर इसका ग्लव बॉक्स है,
काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। देखिए मैंने चश्मा उसमा इसमें रख रखा है। यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम इसमें नहीं मिलता था, म्यूज़िक सिस्टम लगवाना पड़ता था। ये यहाँ पे एसी का पूरा कंट्रोल है, ये पूरा एसी का है। यहाँ पे आपको चार्जर या ये थोड़ा सा ट्रे मिल जाता था पैसे वैसे चिल्लर रखने के लिए। बाकी ये यहाँ पे इसको ये आपको 5-speed ट्रांसमिशन में मिल जाती है, मैनुअल ट्रांसमिशन देख सकते हैं रिवर्स सिंपली। और ये यहाँ पे इसका हैंड ब्रेक कुछ इस तरीके का था। इंटीरियर भाई इसका काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, इंटीरियर मतलब जोरदार है। स्पीकर के लिए यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है, छोटी छोटी जगह यहाँ भी आपको देखने को मिल जाती है ये दोनों साइड। यहाँ नीचे देख सकते हैं पूरा सिस्टम इसका भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखिए ये डे एंड नाइट, इसमें मेरे को डे एंड नाइट मिला था। कई कई भाई लिमिटेड एडिशन में डे नाइट वाला सिस्टम मिल जाता था। जैसे ये देखिए ये ना डे एंड नाइट वाला मिरर है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये लाइट यहाँ पे ऑन ऑफ देता था। इसमें कोई भी शीशा देखने को नहीं मिल जाता है दोनों साइड, ये ऐसा ही मिलता था मैनुअली। बाकी भाई अब आते हैं पीछे, बात पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह देखने को मिल जाती है। पावर विंडो कहीं भी नहीं देखने को मिलता है इसमें, पूरी मैनुअली है भाई देख सकते हैं। मतलब मैं बैठा हुआ हूँ, ये सीट तो आगे की गई है लेकिन जगह ठीक ही ठाक थी इसमें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह थी। ये देख सकते हैं आप इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता भाई। इसका बैक से जो लुक आता है ना वो कुछ इस तरीके का आता है, बैक से जो आप लुक देख रहे हो फ्रंट साइड। और बाकी इधर ही देखने को कुछ नहीं मिलता है, इंटीरियर तो इसका काफ़ी अच्छा है। ये प्लास्टिक पूरा देखने को इसमें आपको मिल जाता है, यहाँ पे ये पकड़ने के लिए हैंडल मिलता है, ये फिक्स हैंडल है वैसा नहीं है। तो चल हो गई, अब दिखाते हैं आप इसका इंजन। ये कि यहाँ से ये खुलता है, अब वहाँ पे ये है भानुमति का पिटारा, देख सकते हैं आप इसका इंजन, भानुमति का पूरा पिटारा आप देख सकते हैं। ये है पूरा भानुमति का पिटारा इंजन इसका। ये भाई ये इंजन आपको मिलता है 1000 cc का आपको इंजन मिलता है, जो कि भाई इसकी पावर में बात करूं तो ये 63 BHP की पावर जनरेट करता है पर में, और 98 Nm का टॉर्क जनरेट करता है भाई। मतलब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल गाड़ी थी ये, इंजन इसका भाई तगड़ा है। मैं बता रहा हूँ अगर AC ऑफ करके मैं चला दूँ भाई इसको कोई गाड़ी जल्दी पीछे नहीं कर पाएगी, टॉप स्पीड में भले कर लेगी। तो इंजन इसका काफ़ी अच्छा था देख सकते हैं आप, कंप्रेसर उम्प्रेसर सब एकदम टाइट है, तगड़ी गाड़ी थी मेरे को तो पर्सनली। गाइस कुछ इस तरह की थी हमारी सेंट्रो जिप प्लस भाई, कमेंट करके आप लोग बताओ कि ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगी। भाई उस समय बात करें ना तो ये भाई मिनी SUV में गिनी जाती थी, जैसे आज आप ब्रेजा को गिन सकते हो, ऑल्टो खड़ा कर दीजिए और ब्रेजा, तो ब्रेजा मिनी SUV में भाई गिनी जाती है। तो उस वक्त भाई ये सब गाड़ियाँ मिनी SUV में ही गिनी जाती थी, और इनके अगर रोड प्रेजेंस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गाड़ी थी। मैं अगर इसके प्राइसिंग की बात करूँ आपको तो भाई ये 3,54,000 रुपये की मुझे उस वक्त पड़ी थी ऑन कैश भाई, 3.5 लाख रुपये लगभग बहुत ज़्यादा होते थे उस वक्त 1999 में, काफ़ी ज़्यादा होते थे। आप लोग में से कमेंट करके बताइए भाई ये गाड़ी आप लोग में से कौन कौन रखे हुए हैं, इसके क्या अच्छे फीचर्स हैं क्या नहीं है, नेगेटिव सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए भाई। मेरे तो दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब है भाई, इसके लिए वर्ड ही नहीं है कुछ। आप लोग में से जो जो रखे हैं भाई वो बताओ मेरे को। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।